नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू शर्मा अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ हर्बल ऑयल, जो मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा बनाती आई हूँ। एवरी 3 मंथ में मेरा वो ऑयल खत्म होता है और मैं एवरी 3 मंथ में न्यू उसको बनाती हूँ। लकीली वो मेरा तेल इसी वीक खत्म हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं उस तेल की रेसिपी जो अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ, ताकि वो उसका भी बेनिफिट उठा सके। इस तेल के बहुत सारे फायदे हैं। इस तेल के साथ आपके बाल गिरने बंद हो जाते हैं, बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, डैंड्रफ खत्म हो जाता है। एंड अगर किसी के बालों में जैसे थिकनेस कम होती है, घनापन कम होता है, तो वो भी उसको लगाने से ठीक हो जाता है। घने धीरे धीरे बाल घने होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसको कंटिन्यूसली लगाना पड़ता है। कंटिन्यूटी हमने उसकी रखनी है, ये नहीं है कि वन टाइम लगाया और छोड़ दिया। ये मेरा ऑयल तकरीबन 4 और 5 ईयर से चल रहा है। हाँ, तो दोस्तों, इस ऑयल में मैंने ये सब चीजें डालूंगी, आंवला पाउडर एंड कुछ हिबिस्कस के पत्ते हैं, कुछ उसके फूल हैं जो मैंने सुबह तोड़े थे, अभी शाम तक थोड़े मुरझा गए हैं। एंड कुछ बादाम की ली है मैंने पीस, 5-6 बादाम डालूंगी, कुछ करी पत्ते के पत्ते डालूंगी हरे वाले। एंड कुछ आइटम मैं साथ साथ में ऐड करूंगी, तो अभी आपको बताती रहूंगी मैंने क्या क्या इसमें ऐड किया है। और साथ में ये कफूर है, कफूर हम लास्ट में ऐड करेंगे, बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल हमें इसको पकाना नहीं है। हार्डली जब तेल हमारा गुनगुना हो जाएगा तब इसमें डालना है, ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आइए बनाते हैं हम लोग हर्बल ऑयल। हर्बल ऑयल के लिए मैंने सरसों का तेल लिया है। मैं आइडिया से ही चीजें बनाती रहती हूँ। आई थिंक ये 100 ml से ज्यादा है, 200 ml तक ऑयल है। एंड कोकोनट ऑयल भी 200 ml के आसपास मैं इसमें डालूंगी। इन दोनों को तेलों को मुझे अच्छे से पकाना है। ये टोटल ऑयल हमारा 400 ml की से थोड़ा कम है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा कम है। हम चाहे तो इसमें नारियल तेल बाद में भी पका सकते हैं। तो जैसे थोड़ा तेल गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमने इसका वेट नहीं करना कि तेल हमारा बिल्कुल गर्म होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन हमने इन सब चीजों को ऐसे ही डाल देना है। करी पत्ते में सारे ऐसे डाल रही हूँ, वो धीरे धीरे उसमें भुनते रहेंगे और अपने असर छोड़ते रहेंगे। एंड आंवला पाउडर, ये मैंने 2 स्पून के करीब मैंने आंवला पाउडर लिया है। अगर आपके पास ड्राई मेहंदी रखी हुई है तो वो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास वो नहीं थी तो मैं उसको नहीं ऐड कर रही हूँ। तो बादाम की कलियां डाल दी मैंने, और हिबिस्कस के फूल मैंने जो सुबह तोड़े थे वो सब इसमें अच्छे से पकाऊंगी। उसकी पत्तियां भी साथ में ही पकेंगी, सारा इसमें ऑयल पकेगा। एंड ये दोस्तों, धतूरे के बीजों से हमारे बालों को बहुत बेनिफिट है। जैसे मान लो बहुत ज्यादा हम लोग कभी स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो ये धतूरे के बीज जो है हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। तो ये मैंने एक धतूरे को तोड़ा था, लेकिन उसमें से मैंने 15-20 सीड्स लिए, ज्यादा नहीं लेने हैं। ये ध्यान रहे, 15-20 सीड्स ही हमने डालने हैं। एंड ये अरंडी के बीज जिसको हम लोग, तो ये इसका कैस्टर ऑयल बनता है, लेकिन ये मैंने कच्चे ही इसको डालूंगी, ताकि इससे भी बालों की हमारी थिकनेस जो है बरकरार रहती है। इस ऑयल को हमने बिल्कुल, तो इसके साथ ही मैं ऐड करूंगी कलौंजी के बीज, जो कलौंजी होती है उसको मैं 1 स्पून के करीब मैंने इसमें ऐड किया है। साथ में इसमें ऐड करूंगी मेथी दाना भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, और हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, बहुत तरह की बीमारी को दूर करता है। तो धीरे धीरे धीमी आंच पे हमने इस तेल को पकाना है। ये नहीं है कि हमारा तेल जलना नहीं चाहिए, अगर जल गया तो फिर बालों में से जले हुए ऑयल की स्मेल आएगी। हमने सिर्फ इन चीजों का असर उसमें निकालना है। तो इस तेल को पकाने के लिए हमें कम से कम 30 मिनट्स चाहिए, लेकिन बहुत स्लो फ्लेम पे और धीरे धीरे इसको चलाते चलाते पकाना है। और ये ऑयल बनके बहुत अच्छे से रेडी, अच्छा होता है, थिक होता है बालों के लिए। लेकिन जब भी हमने इसको लगाना है, तो मैं तो इसको बना के छोटी छोटी बोतल में निकाल देती हूँ, और ऊपर से इसमें कोकोनट ऑयल और ऐड कर देती हूँ, ताकि इसका जो जैसे बच्चों को ज्यादा हैवी ऑयल पसंद नहीं है तो लाइट ऑयल जैसा ही बना रहता है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है तब भी बहुत अच्छे से निकलता है। तो दोस्तों, ये देखिए हमारा तेल बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। बादाम की गिरियां जो हमने डाली थी बिल्कुल काली हो गई एकदम से, और जो हमने अरंडी के बीज डाले थे वो भी एकदम ऐश बन गए इसमें अच्छे से, और ये फ्लावर का तो बिल्कुल
पूरा असर इन्होंने छोड़ दिया है, पत्तों का, करी पत्ता सब कुछ बीच में अच्छे से उन सब ने अपना असर बीच में छोड़ दिया, बल्कि हमारा हर्बल ऑयल जो है बनके रेडी है। और अभी मैं गैस के फ्लेम को बंद करती हूँ, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, बहुत गर्म है ऑयल। एंड अभी इसमें हम डालेंगे कफूर की टिक्की ताकि अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, तो इसको तोड़ के डालेंगे। मैंने 5-6 कपूर की टिक्कियां डाली हैं, आपकी मर्जी है, आप 1-2 भी डाल सकती हैं। मेरे कपूर की टिक्कियां आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकती हैं, लेकिन मुझे ये इतने में ही चाहिए थी, मैं ज्यादा ही लाइक करती हूँ। तो अभी हम इसको ठंडा होने के लिए कम से कम इसको 1 घंटा तो जाएगी, क्योंकि ऑयल है तो थोड़ा ठंडा होने में टाइम लेता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ दोस्तों, मिलते हैं हम लोग 1 घंटे के बाद। तो दोस्तों ये देखिए हमारा, ऑयल बनके रेडी है और ठंडा हो चुका है, मैंने फिल्टर कर लिया है, लेकिन अभी मैं इसको, मैंने अभी डबल फिल्टर किया, अभी मैं इसको ट्रिपल फिल्टर करूंगी ताकि इसका जो कचरा है छोटा छोटा बारीक, जैसे हमने इसमें आंवला डाला था और फूल वगैरह डाले थे, वो सब उसकी ऐश इसके अंदर थोड़ी वो जो रह गई होगी वो निकल जाएगी। वैसे तो ये साफ हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सब एकदम क्लीन है, फिल्टर है ये, लेकिन मुझे इसको एक बार और क्लीन करना है क्योंकि ये मेरा पूरे 3 मंथ का ऑयल है, इसको मैं 1 टाइम और फिल्टर करूंगी उसके लिए मैं। तो ये देखिए दोस्तों, ट्रिपल फिल्टर करने से इसमें से इतना सारा कचरा और निकल आया है जो कि हमारे बालों में जाता तो इचिंग जैसा पैदा करता, लेकिन अभी हमारा ऑयल ये बिल्कुल फिल्टर हो चुका है, पूरा क्लीन है ऑयल हमारा। तो अभी हम इसको बॉटल में डालेंगे, तो अभी हमने इसको यूज कैसे करना है, यूज करने के लिए मैंने इसमें से थोड़ा सा ऑयल यूज डालना है इसमें, जैसे मैंने अभी इतना ही ऑयल डाला है। एंड ये देखिए इसमें से मेरा ये दिख रहा है 1/3 है, शेडो दिख रहा होगा आपको हल्का सा, इसमें 1/3 दिख रहा है, इतना तक ऑयल है इसमें, मैंने इतना ऑयल मिलाया है। एंड बाकी मैं इसमें कोकोनट ऑयल मिलाऊंगी, कोकोनट ऑयल की मैं मात्रा इसमें ज्यादा रखूंगी। एंड थोड़ा सा मैं इसमें रॉ मस्टर्ड ऑयल डालूंगी, इसको मैंने कच्चा ही डालना है। इस बोतल के साथ बालों में तेल लगाना बहुत इजी रहता है, जरा सा लगाओ बालों में तो हमें जरूरत नहीं पड़ती कि कोई दूसरा हमारे बालों का एक एक अलग अलग करके ऑयल लगा, हम सीधा ही कॉम की सहायता से ही ऑयल लगाते हैं। हमारे बच्चे भी बड़े इजीली सुबह ऐसे ही इसको बालों में घुमाते हैं, फिर बाद में कॉम कर लेते हैं। तो सो ये ऑयल मेरा बन के रेडी है, ये कम से कम मेरा 1 मंथ मेन मेरा ये वाला है। इसमें मैंने 2 तरह के ऑयल फिर से जो मैंने पकाने में डाले थे वो मैंने रॉ वाले भी इसमें मिलाए हैं। देखो दोस्तों मेरा हर्बल ऑयल बन के रेडी है, तो आप भी अगर इसी तरीके से बनाएंगे आपको डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा। मैं इसको 4 और 5 ईयर से यूज कर रही हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको बनाया था तो मैंने 1 मंथ की क्वांटिटी से बनाया था, बहुत थोड़ा है कि मुझे देखना था कि मुझे क्या इफेक्ट मिलता है, तो मैंने मुझे इसने रिजल्ट 1 मंथ में ही दिया था और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था। और तब से मेरा ये ऑयल बन रहा है, अप्लाई हो रहा है, पहले मैं अपने बालों पे अप्लाई करती थी, अब मैं धीरे धीरे अपने बच्चों को भी इसमें इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे उनके बालों में भी काफी अच्छा इफेक्ट मिलने लगा। और तो 1 घंटा पहले नहाने से अप्लाई करना है, आपकी मर्जी है, आप इसको ओवरनाइट भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं और मेरे बच्चे तो हम इसको 1 आवर पहले ही अप्लाई करते हैं, फिर 1 आवर के बाद हम शैम्पू कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, शैम्पू आपने इसके लिए हर्बल ही यूज करना है, अगर आप नहीं भी यूज करती हैं हर्बल शैम्पू तो नो प्रॉब्लम। आई होप सो मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया है तो आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। बाय बाय दोस्तों।